प्लीज सब्सक्राइब। हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग कई तरह की बातें आज समाज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने मन में कई तरह के भाव लाते हैं कि कोई कितना किसी अन्य के लिए जीते हैं, पुण्य का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, और कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वो खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए सब कुछ चाहते हैं, सारी व्यवस्था मेरे ऊपर लग जाए, मेरा ही सिर्फ कल्याण हो, अन्य का कुछ हो ना हो हमको उससे मतलब नहीं है। इन सब बातों को समझने के लिए, प्रेरणा के लिए कि हम कैसे सदाचारी बने, परोपकारी बने, इसके लिए एक उदाहरण हमको यूरोपीय कंट्री से मिलता है। वो उदाहरण है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का। द्वितीय विश्व युद्ध का समय जब चल रहा था, ये 1939 से 45 के बीच में चला, तो उस समय जर्मनी एक अलग ग्रुप में था और ब्रिटेन का ग्रुप अलग था, इंग्लैंड का ग्रुप अलग था। तो जर्मनी जो है ये बम बरसा करने का बहुत ही इसके पास पावरफुल हथियार था हिटलर का। तो उस समय लंदन या इसके ब्रिटेन के ग्रुप का सभी लोग खौफ ज़्यादा था। तो उस समय एक ऐसी घटना हुई लंदन के बाजार में एक पब्लिक के बीच में। तो वो घटना क्या थी कि दूध का वहाँ पर वितरण हो रहा था, दूध के लिए लंबी लाइनें लगी थी, सभी आम पब्लिक दूध लेने के लिए लाइन में लगा के कतार में खड़े थे कि हमारी बारी आएगी तो हमको भी दूध मिलेगा। वितरण करने वाले जो व्यक्ति थे उसने घोषणा किया कि अब केवल एक बोतल दूध बचा है, मात्र एक बोतल, भीड़ लंबी है, बोतल एक है दूध, ये अब जो सामने है बस उसको ही मिलेगा, अन्य लोगों को अब नहीं मिल पाएगा, आज दूध का स्टॉक खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो लोग बच गए वो अब क्षमा कर दें, आप कल आइए, कल आपको दूध मिलेगा, यानी आज आपको दूध नहीं मिलेगा। सोचिए दूध के बिना भी काम चल जाएगा, चला लेंगे वो लोग, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कुछ आंदोलन नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं। इन्होंने आराम से बोला, सबने आराम से सुना। लेकिन यहीं पर एक घटना घटती है कि आखिरी जो दूध की बोतल जिसको मिलने वाला था, जो सामने शख्स था, उस शख्स के हाथ आने वाले थे, लेकिन उस शख्स के पीछे, ठीक पीछे एक जो दूसरे स्थान पर था वो एक महिला थी, महिला के गोद में एक छोटा बच्चा था। अब ये समझने की बात है कि हमारे अंदर में अगर मानवता है तो हम इस भाव को समझ सकते हैं। वो छोटे बच्चे को लिए हुए महिला दूसरे स्थान पर थी, बोतल एक ही था जो पहले वाले व्यक्ति को मिल जाता, उस महिला को दूध का बोतल कभी नहीं, उस दिन नहीं मिल पाता। तो उसके चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें छा गई कि भाई दूध नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा क्या पिएगा। लेकिन उसने देखा कि वितरण करने वाला जो व्यक्ति है वह दूध उसी के हाथ में डाला जा रहा है, उस महिला को दूध दे रहा है। वो व्यक्ति जो उसके आगे था वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसको क्यों नहीं दिया? वहाँ नियम पालन होता है, आप हमारे यहाँ नहीं होता है कि हमारे जान पहचान का है तो पहले उसको आगे करके दे दिए सामान, ऐसा वहाँ पर नहीं था, नियम पालन होता था। लाइन का मतलब लाइन लगा है, जहाँ तक गया ईमानदारी से वहीं तक बांटा जाना है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ना दे करके दूसरे स्थान पर आने वाली महिला को दूध का बोतल पकड़ाया जा रहा है, तो ये आश्चर्यजनक बात कैसे हुआ? यहीं पर मानवता दिखता है। उसने देखा कि वितरण करने वाला व्यक्ति उसके हाथ में बोतल थमा रहा था, वह चौंक गई, अरे ये कैसे, क्योंकि उसके आगे जो खड़ा व्यक्ति था वह बिना दूध लिए लाइन से हट गया। वो लाइन से जब हट गया तो उसके जो स्थान जो उसका व्यक्ति का था उस जगह पर महिला आ गई, यानी अब महिला का अधिकार हो गया उस बोतल पर। तो लाइन से हट गया ताकि छोटे बच्चे को जो गोद में लिए है उस महिला को दूध मिल सके, वो महिला दूध हासिल कर सके। अचानक तालियों की आवाज़ गूंजने लगी, तालियां बजने लगे, लाइन में जितने भी अन्य व्यक्ति खड़े थे सबको दूध तो मिलना था नहीं, वो लोग ताली बजाने लगे। लाइन में सभी जो खड़े व्यक्ति थे, उस शख्स का जो हट करके महिला को दूध देने में मदद किया, करतल धोनी से अभिनंदन कर रहे थे, ताली बजा रहे थे उसके लिए। लेकिन उसने उस महिला के पास जाकर केवल एक शब्द कहा था, क्या कहा था,
कि आपका बच्चा बहुत ही प्यारा है, वह इंग्लैंड का भविष्य है, उसकी अच्छी परवरिश कीजिए। बच्चे को दूध की ज़्यादा आवश्यकता है, हमको नहीं है। ये बच्चा देश का भविष्य है, इसका आप लालन पालन बढ़िया से करिए, इसलिए दूध आप ही लीजिए। यही सेंस था उसका कहने का। इस घटना की खबर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनको हुई कि हमारे यहाँ ऐसा लंदन में घटना घटा है। और जब उनके पास वो पहुँचा तो वो एकदम से आत्मबल से विभोर हो गए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जनता हमारे साथ है। और वो क्या किए कि जर्मनी के ज़बरदस्त हमलों के विभिषिका से उत्पन्न चिंता से उबर कर बोले, चिंता में थे तो ही वो कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उससे उबर करके उनको जब एक प्रेरणा मिली, वो बोले कि हिटलर को संदेश भेज दो, जर्मनी को संदेश भेज दो कि ब्रिटेन के जीत को कोई नहीं रोक सकता, ब्रिटेन जीतेगा, निश्चित जीतेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश पर मंडरा रहे संकट के समय अपना निजी हित भूलकर देश के बारे में सोचते हैं। जब व्यक्ति देश के बारे में सोचने लगेगा तो उस देश को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम देश को छोड़ करके सिर्फ अपने लाभ को देखने लगते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। सब अगर अपने ही फायदे की बात करें तो दूसरे सबका भला कैसे हो पाएगा। इसलिए भला सबका सोच करके, देश का भला सोच करके हमको ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि सबका भला हो सके। सब में हम भी आते हैं, हमारा भला खुद हो जाएगा। चर्चिल का विश्वास सच निकला और ब्रिटेन विश्व युद्ध में जीत गया। अब बात है इस कहानी का अभी क्या सेंस है। हमारे देश पर भी संदेश ये दे रहा है कि संकट बहुत बड़ा है, कोरोना का संकट ये मंडरा रहा है। क्या हम अपने चारित्रिक श्रेष्ठता प्रमाणित करने के प्रयास में हैं? क्या हम इसको प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा चरित्र उत्तम है? क्या हम अन्य लोगों के लिए जी सकते हैं? मानवता हमारे लिए सर्वोत्तम धर्म है। क्या इसको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम तैयार हैं? ऐसी कुर्बानी देने के लिए क्या हम तैयार हैं कि हम सबसे पहले सामने वाले को, अन्य लोगों का भला करेंगे तब अपना भला करेंगे, इस ऐसा प्रार्थ भावना से क्या हम प्रेरित हैं? हम तो स्वार्थी हो गए हैं, इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं बच रही है। अभी सभी लोग स्वार्थी हो जा रहे हैं, इतने लोग गुजर गए, अब भी समय है कि हम इससे बचें और देश प्रेम को आगे करें। आम आदमी, न्यूज चैनल, प्रशासनिक कर्मचारी, नेतागण, डॉक्टर्स, सभी अगर अपने हिस्से के काम को, सिर्फ अपने काम को ईमानदारी के साथ करने लगे तो कोई कारण नहीं जो कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा देश विजयी न हो। ऐसा संभव नहीं है कि विजयी हम नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर होने लगता है डॉक्टर के कलाबाजारी, सेना के कर्मचारी का अपना जमाखोरी, सब लोग अपने अपने मौके का फायदा उठाने लगते हैं, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के 2 रुपये की चीज़ 2000 में बिकने लगता है। तो इससे अन्य लोगों का, आम जनता का भला नहीं होता है, दूसरे को हम तकलीफ देते हैं और दूसरे को तकलीफ दे करके हम पुण्य के भागी नहीं हो सकते हैं, हम भारत को जिता नहीं सकते हैं। भारत हारेगा, हम भी हार जाएंगे, इसलिए हम सबको मिलकर के ये काम करने की आवश्यकता है। आप सबने सुना और देखा इसको, हमारे वीडियो को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राष्ट्र देवो हवा की कल्पना जरूरी है, ये संभव होगा जब हम अन्य सबके लिए, हम अपने पूरा परिवार मानेंगे, बस रह कुटुम्बकम के भाव को लेकर चलेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।